जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय। ऐसे तो हर मनुष्य को लक्ष्मी की कमी हमेशा बनी रहती है। जितना पैसा आता है उतना कम लगता है, ऐसा महसूस किया गया है। परंतु फिर भी ऐसा देखने में आता है कि कुछ ही मनुष्य लक्ष्मी जी की जो इनकम होती है, आय होती है, उससे संतुष्ट रहते हैं और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए टोने टोटके करते रहते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति का एक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। यह उपाय करने पर धीरे धीरे आपके यहां स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होगी। जो स्रोत हम बोलने वाले हैं यह बिल्कुल अजमाया हुआ है, हमारा स्वयं का और अन्य व्यक्तियों ने भी अजमाया है। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होती है, दरिद्रता का भी नाश होता है और इससे बढ़ के बहुत सारी चीजें भी है, सभी बराबर है, बशर्ते कि उसको पूर्ण समर्पण भाव से किया जाए। अगर आपको लक्ष्मी की आवश्यकता है तो आपको लक्ष्मी जी की उपासना तो करना ही करना पड़ेगी। लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम को रोजाना यदि कोई मनुष्य 54 बार रोज पढ़ता है तो धीरे धीरे उसको याद भी हो जाएगा और इसका प्रभाव उनके जीवन चक्र पर भी देखने को मिलेगा। परंतु इसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घी का दीपक लगा करके पढ़ना अनिवार्य है, पाठ करना है, और शाम को सूर्यास्त के समय पे घी का दीपक लगा करके पाठ करना है। तो इसका प्रभाव धीरे धीरे स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो जो व्यक्ति बार बार हमसे पूछते हैं कि साहब धन की कमी है, धन नहीं आ रहा है, व्यवसाय बंद हो गया है, टोना टोटका हो गया है, कर्मों का लेख हो सकता है, फूटे कर्म हो सकते हैं, तो इसको अवश्य करना प्रारंभ कर दे कल से ही। जब आपने सुना है उसके दूसरे दिन से इसको प्रारंभ कर दें। 54 times यानी 54 बार रोजाना सुबह, 54 बार शाम को आपको बोलना है घी का दीपक लगा करके। धीरे धीरे इसका जो आपकी इच्छा है उतना धन आपके पास प्राप्त होने लग जाएगा। यह साधना उन सबके लिए है जो बिल्कुल शिष्टता के साथ में हर व्यक्ति से पेश आते हैं, शालीन है। और जो व्यक्ति उग्र साधना नहीं कर सकते उनके लिए तो विशेष तौर से है। यह साधना पूर्ण रूप से वैष्णवी साधना है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मांस मदिरे का प्रयोग नहीं होता है। लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करने से सकारात्मक शक्ति और सात्विक शक्ति और पराशक्ति तीनों चीज मिलकर के आपकी इच्छा की पूरी करते हैं। धनात्मक ऊर्जा और पैरा नॉर्मल फोर्स और प्योर पावर तीनों मिलकर के आपकी अभीष्ट कामना की पूर्ति करते हैं। जो लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम है पहले उसे कंठस्थ कर लेना चाहिए। किसी भी शक्ति से कार्य कराना हो, करना हो, उनको अपने साथ रखना हो या हमें उनकी सिद्धि लेना हो तो पहले उनका जो भी स्त्रोत या मंत्र है उसको कंठस्थ कर लेना चाहिए। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करना प्रारंभ करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। सबसे बड़ा इसका नियम जो है यह है कि इसमें ब्रह्म मुहूर्त में सब काम हो जाना चाहिए। सूर्य उदय की पहली किरण के पहले पहले 54 बार पाठ हो जाना चाहिए, फिर आपको सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाना है।
इस साधना में किसी भी तरह का आपको मांस मछली अंडा शराब तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है। लहसुन प्याज भी आपको त्याग करना है। खीर पूड़ी हलवा पूड़ी या पराठे आपको खाना है, तभी स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। जब यह साधना चलती है तो किसी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं करें, किसी भी स्त्री के ऊपर अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करें और अपनी इस जिह्वा से, विशेष तौर से मुंह से, जिह्वा से किसी को भी गाली नहीं देना है। संयमित जीवन व्यतीत करना है और लक्ष्मी और नारायण दोनों की पूजन अर्चन करना है। महालक्ष्मी को अपना आराध्य मानकर उनका जो दिन होता है, या तो बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन, आपको खीर से या हलवे से हवन करना है। और यह दोनों चीज जो है शुद्ध सात्विक होना चाहिए। यदि कमल का पुष्प उपलब्ध हो तो महालक्ष्मी को कमल का पुष्प भी चढ़ाना चाहिए, कमल गट्टे से हवन करना चाहिए, घी से हवन करना चाहिए, शहद से हवन करना चाहिए, आंवले से हवन करना चाहिए। और यदि आपके पास ये उपलब्ध नहीं हो तो जो चीज आपके पास उपलब्ध हो, समय परिस्थिति दशा के अनुसार आप उससे हवन कर सकते हो। आसन भी लाल आसन का प्रयोग करें, रेशमी आसन का प्रयोग करें। पूर्व मुखी होकर के या उत्तर मुखी होकर के आपको बैठना है। विधि विधान से सबसे पहले 32 नाम अवश्य ले लें जब भी प्रार्थना करेंगे। गणेश जी से लेकर के ओम क्लीम कृष्णाय नमः तक, कुल बीच में गुरु, कुल देवी देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, सबका नाम ले लीजिए। यह पूर्ण रूप से सात्विक साधना है और यह कभी खाली नहीं जाएगी, बशर्ते कि नियम कानून के अनुसार करोगे तो। और नियम यही है कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके आपको मां भगवती महालक्ष्मी के सामने घी का दीपक लगा करके लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम या लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करना है 54 बार रोज सुबह और 54 बार शाम को सूर्यास्त के समय पे। 41 दिन तक लगातार यह करना है आपको। धीरे 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 आपके रुके हुए काम करना प्रारंभ हो जाएंगे, चलना प्रारंभ हो जाएंगे। नमस्ते अस्तु महामाय श्रीपीठे सूरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्वरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। अद्यंतर हीते देवी अद्यशक्ति महेश्वरी योग जय योग सम्भूते देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। स्तुत शिष्य महारोदे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्मातृ देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत मातृ देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। इस प्रकार ही आपको 8 श्लोक 54 बार सवेरे और 54 बार शाम को घी का दीपक लगा करके बोलना है। इस स्तुति के अंदर महालक्ष्मी जी आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पापों का प्रायश्चित भी करती है और इस साधना से आपका प्रायश्चित कर्म भी होता है। अजमाया हुआ टोटका है, अन्य लोगों ने भी अजमाया है, सब सफल रहे हैं, आप भी प्रैक्टिकल करके सफल हो सकते हो। हो सकता है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि आप बहुत ज्यादा पापी हो तो ये साधना 2 बार 3 बार कर सकते हैं, ताकि जब तक पापों का नाश नहीं होगा महालक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर नहीं बनेगी। इसलिए पापों का नाश करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए बार 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 जब आप ईश्वर का नाम लेंगे तो धीरे धीरे पापों का नाश अवश्य हो जाएगा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः।